चलोगे सर? जा रही हो केसर? जाने से पहले क्या मैं मालेराव से कुछ बात कर लूं? मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूं मालेराव। छाने वाले को कौन रोक सकता है? मैं तो तुमसे कुछ साधारण से प्रश्न पूछने आई हूं, और प्रश्न ये है कि तुम्हारा इस तरह से फैसला लेना सही है? तुम्हारे आजूबा साहेब ने मालवा राज्य को अपने खून पसीने से सींचा है और यहां तक ले आए हैं, इस मुकाम तक जहां मालवा राज्य को भारतवर्ष का अव्वल राज्य बना दिया है उन्होंने, और इस विरासत को आगे ले जाना तुम्हारा धर्म है मालेराव। तुम्हारे बाबा साहेब की आशाएं, उनके सपने, ये सब तुमसे जुड़ी है। क्या उसके बाद भी तुम्हें ये फैसला लेना है मालेराव? तुम ही बताओ, भाव आवेश में लिया हुआ तुम्हारा ये फैसला क्या तुम्हें सही लगता है? क्या तुम सच में मालवा छोड़कर जाना चाहते हो? आई सर, अगर हम आपको भाव आवेश में लगते हैं तो यही सही, मान लिया। लेकिन आप सब लोगों में तो जरा सी भी भावनाएं नहीं है। नहीं चाहिए हमें ये सब, छोड़ दिया है हमने, और अब आप हमें अकेला छोड़ दो। अब आप हमें हमारा जीवन अपने हिसाब से जीने दो, अपने तरीके से जीने दो। जा रहे हैं, अब मत रोकना हमें। रुक जाओ मालेराव, रुको। तुम्हें सिर्फ अपनी नहीं, सबकी परिस्थितियां समझनी चाहिए। अगर हम एक बड़ा कदम उठा भी लेना है साहब, तब भी कोई हमारी परिस्थितियों को नहीं समझेगा, तो फिर हम क्यों बाकियों के बारे में सोचे? मत रोकिए अब हमें, क्योंकि अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है मालेराव, जाओ। तुम इस वाड़े को और मालवा को त्याग देना चाहते हो ना? अगर तुम इस कक्ष से बाहर गए मालेराव, तो मैं यही अपना शरीर त्याग दूंगी। हाँ मालेराव, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं तुम्हारी आई साहेब हूँ मालेराव। हालात तुम्हारे काबू में नहीं है ना, तो मेरे भी काबू में नहीं है। अगर तुमने मेरी पूरी बात सुने बगैर इस कक्ष से बाहर कदम रखा, तो मैं यही अपने प्राण दे दूंगी। मैं तुम्हारे बाबा साहेब को पहले ही खो चुकी हूँ, मैं तुम्हें खोकर नहीं जी पाऊंगी मालेराव। ये नहीं होगा मुझसे। क्या मांगा है तुमसे मालेराव? तुम्हारा साथ? इतना बड़ा जीवन जीना बाकी है मालेराव, यू इस तरह से बीच मझदार में अब असहाय बनाकर अपने आई साहेब को छोड़कर चले जाओगे तुम? कभी अपने आप को मेरी जगह रखकर देखो। इस जीवन ने इतने घाव दिए हैं मुझे, जो लगातार हरे होते रहते हैं, फिर भी मुस्कुराना पड़ता है ताकि मेरे बच्चे, मेरे मालवा की प्रजा निश्चिंत होकर जिए। तुम्हें मेरी ममता का वास्ता मालेराव, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। ठीक है ऐसे।
नहीं जाएंगे, लेकिन आप हमें केसर दे दीजिए तो हम नहीं जाएंगे। क्या हुआ इसे? नहीं दे सकती है ना, है ना? तो फिर हम आपकी बात क्यों माने? हर बार हमें कुर्बानी क्यों दे? आखिर क्यों आई साहब? पर अब हमने फैसला कर लिया है आई साहब, आप ऐसे डरा कर धमका कर हमें नहीं रोक सकते। और हम हमारे प्रेम के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जो था राजगद्दी, आज हमने उस राजगद्दी को भी हमारे जीवन से निकाल कर फेंक दिया। मत रोकिए आई साहब, मत रोकिए। ऐसा मत कहो मालेराव। जाने दीजिए हमें आई साहब। ठीक है मालेराव, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुन के जाना। हो सके तो कल सुबह तक मुझे समय दे दो। हे शिव शंभू, हे महाकाल, आज एक आई और एक रानी के बीच द्वंद चढ़ चुका है। मुझ पर कई बार ये आरोप लगे हैं कि मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में राजनीति लाने की कोशिश की है, लेकिन आज पहली बार मुझे राज्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए, अपने मालवा राज्य के वारिस को रोकने के लिए रिश्तों के साथ राजनीति करनी पड़ेगी। मुझे आई साहब कहती हो ना केसर? जी आई साहब। सिर्फ कहती हो या मानती भी हो? मानते हैं आई साहब, मन से मानते हैं। बैठो। तो आई साहब होने के नाते अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो मिलेगा? प्राण मांग लीजिए, उसके अलावा तो हमारे पास देने के लिए कुछ है भी नहीं। है, जो मैं मांगने जा रही हूं वो शायद प्राण से भी बढ़कर है। सोच लो, ना तो नहीं कहोगी ना, मुकर तो नहीं जाओगी ना अपने बात से? आदेश दीजिए आई साहब। तुम्हें ये वाड़ा छोड़कर जाना होगा केसर, वो भी मालेराव को बिना बताए। उम्मीद है कि तुम समझ सकती हो कि इस संकट से उभरने का बस यही एक तरीका है। कर पाओगी? संभव है तुम्हारे लिए? एक बार ये तूफान शांत हो जाएगा ना, तब मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी। कब जाना है ऐसे? शाम होने तक। वादा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.